Procrastination can kill you. So hello and guys, we have Anushi with us. And Anushi, thank you so much. Aapne hame samay diya. And I would like to ask you directly, like if you can introduce yourself to our audience, that will be great. Thank you, Rahul, for having me. It's a very good opportunity. So I'll start by introducing myself. My name is Anushi. Yeah. And मैंने engineering and MBA किया हुआ है from prestigious universities of Mumbai. Wow. And I also have corporate experience. So मैंने Deloitte में एक साल काम किया है and 7 साल JP Morgan Bank में काम किया हुआ है. Wow. So that's about my corporate experience. And lately जब COVID strike हुआ तो lot of things change, right? हमारा perspective change हुआ about life and everything. Yeah. And मुझे ऐसे लगा मुझे और कुछ नया करना है. So तब जाके when I dig deeper कि मुझे क्या करना है, so I found that maybe productivity coaching is something that मुझे pursue करना है आगे. Okay. So here I am and I am coaching people on productivity, mindset, habits and a lot more. Wow, wow, wonderful. Actually, I have seen your Instagram and videos also. You're doing fantastic work. एंड लोगों को जो आप हैबिट्स के ऊपर प्रोडक्टिविटी के ऊपर बताते हैं एंड उन्हें कोच करते हो, दैट विल बी ऑसम. जैसे आपने बताया कि आफ्टर योर जॉब एंड आफ्टर द कोविड यू फाइंड आउट लाइक यू हैव टू डू समथिंग विद एंड हेल्पिंग पीपल्स, कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हो. तो इसकी शुरुआत आपने कैसे, आपने किसी मेंटर के थ्रू की या फिर हाउ यू कम इन टू दिस? ओके, सो ये पर्टिकुलर फील्ड में आई थिंक माय फर्स्ट मेंटर इज माय डैड. मेरे डैड हमेशा मुझे बोला करते थे कि हम सबके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, राइट? एंड कोविड वाज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर इट. वी डोंट नो हमारे पास कितना टाइम है. अगर वो एक्सटेंड तक भी ना सोचे तो दिन में भी 24 आवर्स से ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है. बट फिर भी काफी लोग बहुत सक्सेसफुल है एंड काफी लोग यू नो कीप स्ट्रगलिंग कि उनको लाइफ के साथ क्या करना है. उनको गोल्स बहुत ज्यादा गोल्स होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इट, राइट? एंड माय डैड ऑलवेज यूज्ड टू टेल दैट ऑल ऑफ अस वी आर ऑल इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग्स. तो हमारे सबके अंदर बहुत ज्यादा इनफाइनाइट पोटेंशियल है टू अचीव एवरीथिंग दैट वी यू नो पे आवर अटेंशन एंड फोकस टू. तो ये हमेशा से वॉज देयर इन माई अपब्रिंगिंग, इन माई थॉट प्रोसेसेस. And यही thought process मैंने अपने education, qualification, job opportunities सब जगह apply किया. Okay. But then when COVID struck, I realized that maybe ये particular thought process काफी सारे लोगों तक लेके जाने का बहुत ज्यादा need है. And it is just going to be beautiful if I can be that medium for many people. Correct. Today India is like a growing country with so Absolutely. Much youth potential. Yeah. तो अगर उनको सिर्फ ये थोड़ा बहुत माइंडसेट चेंजेस दे दिया जाए देन दे कैन लाइक कम अप विद सो मच सक्सेस फॉर अ कंट्री एंड फॉर देमसेल्व्स. एब्सोल्युटली. सो दैट वाज द होल थॉट प्रोसेस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो एक्सेप्ट कि हमारा सक्सेस इज जस्ट यू नो टाइड बैक एंड इज स्टॉप्ड बाय दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस. ये सारे चैलेंजेस का अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को. टक इन ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड दे मेक देयर गोल्स बट दे आर नॉट एबल टू अचीव इट. Absolutely. So that's why I felt there is a need for you know this particular initiative today, and there is a lot of problems and issues with related to mental health also today. So and people don't reach out for help. So yeah. It's only good if you know people come out on such platforms and you know give help to others. Absolutely, fantastic thought and जो आप कर रहे हैं वो really commendable है. And आज के समय में इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जैसे कि एक सर्वे ने कहा है कि ऑलमोस्ट 60-65% आर पीपल आर इनटू डिप्रेशन एंड बाकी सारी चीजें भी लोगों की लाइफ में है. जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आप भी कंटिन्यूअसली हिट कर रहे हैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन. तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड उसका क्या इफेक्ट होता है लाइफ पे? ओके, सो बेसिकली द टर्म प्रोक्रेस्टिनेशन उसका डेफिनेशन ये है कि हम लोग कुछ भी चीज जो अगर हम लोगों ने डिसाइड की है कि मुझे ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है बट उसको स्टार्ट नहीं कर पाते हैं. हम लोग उसको पोस्टपोन करे जा रहे फॉर नो मेजर रीजन, नो ग्रेव रीजन. ओके, ऐसे कुछ रीजन हो सकते हैं कि फैमिली कमिटमेंट्स है इसके लिए नहीं कर पाए या कुछ और कमिटमेंट्स है इसके लिए कर नहीं पाए.
बट देन देर आर देर इज अ सिचुएशन जहां पे कुछ कमिटमेंट नहीं है बट जस्ट हम लोग को करना ही नहीं है, कल करेंगे परसों करेंगे राइट एंड वी एंड अप लूजिंग डेज, डेडलाइन नहीं आता है तब तक हम लोग को करना नहीं है या फिर वो राइट माइंडसेट नहीं आता है तब तक नहीं करना है. सो देर आर लॉट ऑफ रीजंस, आज मोटिवेशन नहीं है नहीं करना है, आज इंटरेस्ट नहीं है नहीं करना है, यू नो देर आर एम्पल नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं एंड हम लोग को रियलाइज नहीं होता है कि हम लोग का कितना टाइम ऐसे ही निकल गया. ओके 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 एब्सोल्युटली, यू कुड हैव यूज्ड दैट टाइम टू डू समथिंग प्रोडक्टिव टुडे बट कल करेंगे परसों करेंगे वो चक्कर में होता ही नहीं है. एब्सोल्युटली, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी. तो ये तो हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन डिफाइंड करना और व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि लाइफ में हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्टिविटी मिस करते हैं एंड 24 आवर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते. तो आपके हिसाब से इसमें ऐसे कौन से टॉप 3 थिंग्स हैं जो हमें करने चाहिए जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सके? ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. काफी लोग तो पहले समझ ही नहीं पाते कि दे आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग राइट. सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग दैट अवेयरनेस कि हाँ मतलब मैं भी कुछ चीजें प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ एंड कब करता हूँ राइट. सो आई ऑलवेज व्हेनेवर आई कोच पीपल इन माय वन ऑन वन मेंटरशिप और इवन यू नो 21 डे चैलेंजेस वेयर आई केटर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई यूज माय ARS फॉर्मूला. सो आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज दैट ARS फॉर्मूला एंड यही 3 चीज हम लोग को करनी चाहिए. फर्स्ट इज अवेयरनेस कि मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, कौन से टाइप का प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, देर आर टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर ऑल्सो. ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन से टाइप में फॉल करता हूँ करती हूँ राइट. सो दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. काफी लोगों को ये समझता ही नहीं है कि उनका टाइम निकल गया अनलेस यू नो द डेडलाइन इज ब्रीच्ड या फिर मैनेजर ने कुछ बोल दिया या एग्जाम का डेडलाइन आ गया तो तब तक उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि दे हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग. सो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज कि मैं कौन सा टाइप का हूँ या फिर यू नो व्हाट टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर आई एम. कब प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, क्यों होता है, मेरे ट्रिगर्स क्या है. सो इट्स जस्ट गोइंग डीप विद इन योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग की व्हाट इज द रूट कॉज. मेरा रूट कॉज क्यों है कि व्हाट इज इट, इज इट लाइक अ थॉट प्रोसेस कि यू नो सम माइंड सेट ब्लॉक कि मेरे से नहीं होने वाला, इसके लिए मैं स्टार्ट ही नहीं करता हूँ राइट. मल्टीपल रीजन हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो गेटिंग टू द रूट कॉज. सो सेकेंड स्टेप इज रिफ्लेक्शन एंड द थर्ड स्टेप इज फाइंडिंग द सोल्यूशन. तो फिर वही सोल्यूशन एप्लीकेबल होगा जो मेरे लिए सूट होगा राइट. मेरे लिए जो एप्लीकेशन सूट सोल्यूशन सूट होगा वो शायद आपके लिए सूट ना हो राइट. तो फर्स्ट 2 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट सोल्यूशन. सो आई जस्ट ब्रीफ यू कि मेजरली 3 टाइप के प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं. सो द फर्स्ट इज स्टार्ट में ही प्रॉब्लम होता है. फर्स्ट इज स्टार्ट, द सेकेंड इज मिडिल एंड द थर्ड इज एंड. कुछ लोग होते हैं जो स्टार्ट ही नहीं कर पाते कुछ, उन्होंने डिसाइड किया मुझे ये करना है, पढ़ाई करनी है बट वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते बिकॉज वो ओवरवेलम हो जाते हैं. इतना सारा पढ़ाई करना है या फिर प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं कैसे कर पाऊंगा. तो correct, वो ओवर थिंकिंग और ओवरवेलमिंगनेस के लिए वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते. तो उसके लिए द सोल्यूशन इज जस्ट लाइक यू नो ब्रेक इट डाउन इन टू स्मॉल पीसेस. स्टार्ट स्मॉल. स्टार्ट ही नहीं किया तो एंड तो होने नहीं वाला, है. लेकिन अगर थोड़ा कुछ स्टार्ट हुआ तो देर इज अ होप कि यू नो प्रोग्रेस होगा. सो मेक इट सो सिंपल फॉर यू एंड ट्रिक योर माइंड कि ये तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल फॉर मी. तो वैसा ही फर्स्ट स्टेप डिसाइड करना है और फिर वो स्टार्ट करना है. द सेकंड टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज आधे में छोड़ दिया, स्टार्ट कर दिया अच्छे से, इट्स वेल बिगन बट इन द मिडिल यू लूज मोटिवेशन, यू लूज द एनर्जी एंड यू ड्रॉप की बस आई एम टायर्ड, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट एनी मोर एंड देन यू नो आई डू इट टुमारो, आई हैव डन इनफ. एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि इतना तो हो गया अभी बाकी का कल करें. सो इन दैट केस यू हैव टू वर्क ऑन योर मोटिवेशन लेवल्स. ओके राइट, कि उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं काम को, उसको क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं या फिर एक बड़ी असाइन कर सकते हैं हुज गोइंग टू पुश यू कि आज किया कि नहीं किया, इतना कंप्लीट किया कि नहीं किया राइट. सो दैट इज द सोल्यूशन फॉर पीपल हु लूज यू नो ड्रॉप इन द मिडिल. ओके एंड देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी जो ऑलमोस्ट 80-90% तक आ जाते हैं और फिर लास्ट में ड्रॉप कर देते हैं. ओके एंड दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ आउटकम.
उनको ऐसे दे हैव द फियर ऑफ फेलियर एंड सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कि आउटकम इसका अच्छा नहीं होने वाला है, मैंने बहुत मेहनत कर दी, बट दे ऑलवेज हैव दैट नेगेटिव थिंग कि इसका आउटकम अच्छा नहीं होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी एज व्हाट आई हैव डिजायर्ड. तो उसमें छोड़ देते हैं कि मुझे कंप्लीट नहीं करना है, बिकॉज कंप्लीट करेंगे तो मुझे रिजल्ट देखना पड़ेगा एंड दे आर नॉट रेडी टू सी द रिजल्ट. तो इसके लिए लास्ट में छोड़ देते हैं. तो उसके लिए द सोल्यूशन इज ऑलवेज थिंक ऑफ द पॉजिटिव रिवॉर्ड. ऑलवेज थिंक अफर्म कि नहीं इसका आउटकम अच्छा ही होने वाला है. अच्छा. एंड दिस इज द आउटकम दैट आई एम गोइंग टू गेट एंड आई हैव टू पुश माई सेल्फ टू द फिनिश लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर आउटकम. तो मेजरली अगर आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी का बेस इज योर माइंड सेट. करेक्ट. योर माइंड प्ले ट्रिक्स ऑन यू एंड आप प्रोडक्टिविटी सर्व कर देते हैं. फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिकली एक्सप्लेन. एंड इसमें मेरा एक डाउट था कि जैसे हम लोग करते हैं मोटिवेशन नहीं है मुझे आज मैं नहीं करना चाहता, कहीं ना कहीं हम आलसी हो जाते हैं, तो क्या ये विल पावर से रिलेटेड है या फिर विल पावर इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग्स? नो, योर विल पावर डेफिनेटली प्लेज अ रोल, बट विल पावर हम लोग स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? दो चीज से होता है, या तो आप प्रैक्टिस से विल पावर डेवलप करें. Because everything in life is not going to be interesting for us, right? Yeah. लेकिन कुछ चीजें करनी है तो करनी है. हाँ. तो उसके लिए प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट कि नहीं कुछ भी हो जाए डिसिप्लिन कम्स इनटू पिक्चर. कि डिसिप्लिन आज करना है तो मतलब करना है, मुझे अच्छा लगे ना अच्छा लगे, मोटिवेशन है नहीं मोटिवेशन है, बट आई विल डू इट. राइट. एंड द सेकेंड थिंग इज अगर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कर रहे हैं लाइफ में, राइट, सो इन दैट सेंस इन दैट केस स्ट्रॉन्ग पर्पस इज नीडेड. तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, आपका विल पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. You will have a strong purpose that is going to drive you. Yeah. Right? आज आप ये YouTube channel पे interviews ले रहे हैं, मैं जो भी काम कर रही हूँ, we wake up every day and we push ourselves कि आज कुछ करना है, नया करना है, because we have a strong purpose. Yeah. Okay. Right? So means otherwise like, we wouldn't be doing something in this field. Yeah, yeah, yeah. So means like people should have their why clear, first of all. Yes. So if the why is clear, then they will wake up early morning and do whatever they want to finish the task. Absolutely. Yes. Agar logo ko aap tak approach karna hai, aap tak pahunchna hai, and your one-on-one and your 21 days challenge ya fir aapki coaching leni hai, to how they can reach to you? Okay, so basically I'm very active on Instagram. Okay. Mera Instagram handle, we can put it in the description box. Yeah. And you all can DM me. I'm always accessible on Instagram. I'm also available on LinkedIn. Okay. Where I'm trying to build my presence on LinkedIn for the corporate employees. Mm-hmm. Right. And Instagram is majorly for the youth and students and social media professionals. Yes. So I would suggest people can go for the 21 day challenge if they just want to have fun along with building the habit of how to independently manage, you know, issues like overthinking, procrastination, inconsistency. Inconsistency is also a very big issue people face. Time management issues. I cater to all of this in my program of 21 day challenge, but it's a group program. Okay. And it's fun. And it just takes 5 minutes of your day. So everyone can do that, right? It's not very time consuming and effort consuming. Yeah. And if people want to solve individual and customized issues of their life and they feel very stuck in their career work because of productivity and mindset related issues, then I would recommend them to come for one-on-one coaching. So you all can definitely reach out to me on my DMs and we can take it forward from there. Absolutely. So guys, if you have already heard and if you wanted to go for one-on-one or for the 21 days coaching, and if you have any problem regarding your mindset, then here it is. We have the guy, we have the main solution for that. So please go for that. And thank you so much, Anushi. You have given me the time and it's a very smart and crispy interview we have. We will going to have a detailed discussion in future in different topics so that audience can understand much better. And hopefully we'll be in touch. Yeah. Thank you so much, Rahul, for having me. It was completely my pleasure. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Bye.